गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आप लोग को चैप्टर 7 में पढ़ाया था, जो कि था द टेम्परेट ग्रासलैंड्स, यानी कि हम लोगों ने बहुत सारे ग्रासलैंड्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था जो हमारा क्लाइमेट है यानी कि जलवायु, वो हर समय चेंज होते रहता है ड्यू टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के हिसाब से वो क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था इस चैप्टर में जो मेजर ग्रासलैंड्स है पूरे वर्ल्ड में, जो कि थे नॉर्थ अमेरिका जिसको हम लोग प्रेरीज बोलते हैं, सेकेंड है साउथ अमेरिका जिसको हम लोग पैम्पस बोलते हैं, थर्ड है रशिया जिसको हम स्टेपेस बोलते हैं, फोर्थ है ऑस्ट्रेलिया जिसको हम डाउन्स बोलते हैं, और फिफ्थ है साउथ अफ्रीका जिसको हम लोग वेल्स बोलते हैं। तो ये हमारे मेजर ग्रासलैंड्स है पूरी दुनिया के। सो आज हम इसी चैप्टर का आगे आप लोगों को बताएंगे, स्टार्ट करते हैं। अब वीट इज द मेन क्रॉप, गेहूँ जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण अनाज है। इट इज़ प्रोड्यूस्ड इन लार्ज क्वांटिटी, और ये बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, प्रोड्यूस्ड होता है। दैट इज़ वाई द प्रेरीज इज नोन एज वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, और इसीलिए प्रेरीज को क्या बोला जाता है, वीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि गेहूँ का बगान या फिर बाल्टी जो बोले, जिसको प्रेरीज को बोला जाता है, क्योंकि वहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गेहूँ की खेती होती है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ सरप्लस व्हीट इज एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, और यहीं से जो है व्हीट का बहुत सारा एक्सपोर्टेड होता है, यानी कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाता है, और इसी को हम लोग व्हीट बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। किसको, प्रेरीज को। Large cattle from called large cattle farms called ranches are looked after by sturdy men called cowboys. बहुत सारे जानवर्स को पशु लोग को है जो जहाँ पे रखा जाता है उसको हम लोग रेंचेस बोलते हैं, और उसमें एक जो होते हैं वो उसको हम लोग cowboys भी बोलते हैं। Bison और American buffalo is most important animal of this region. Bison और अमेरिकन बफेलो जो होते हैं यहाँ के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एनिमल्स होते हैं इस क्षेत्र के। रैबिट, कोयोटेस, गोफर्स एंड प्रेरी डॉग्स आर आल्सो फाउंड इन दिस रीजन, और ये सारे एनिमल्स भी इन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ फिगर में देख सकते हो, ये रेंजेस यानी कि यहाँ बहुत सारे एनिमल्स हैं, और ये जो है वो काउबॉयज है जो इन लोगों को हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट फिगर में आप देख सकते हो, ये वीट फार्म है जहाँ पे गेहूं की जो खेती होती है उसके बाद उसको जिस तरीके से हम लोग दाने के रूप में निकाल के लाते हैं वो यहाँ पे होता है, सब हम इसके आगे देखेंगे। लिविंग ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों का रहन सहन। पीपल फ्रॉम मैनी कंट्रीज ऑफ यूरोप माइग्रेटेड टू दिस रीजन, दे क्लियर द ग्रासेस टू कल्टिवेट द लैंड। इस जगह पे जो है वो बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग कंट्रीज से आते हैं, और इस क्षेत्र के बारे में देख कर जाते हैं कि यहाँ का जो ग्रासेस हो कितना कल्टिवेटेड है, या फिर यहाँ पे खेती अच्छी हो सकती है। दे डिवलप बिग फार्म स्ट्रेचिंग टू थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर्स, द पीपल ऑफ दिस रीजन आर वेरी हार्ड वर्किंग, और इस जगह के जो लोग होते हैं वह बहुत ही मेहनती होते हैं। दे हैव सक्सेसफुली हार्नेस टेक्नोलॉजी टू यूटिलाइज देयर रिच नेचुरल रिसोर्सेज, और उन लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होता है कि उन लोगों को अपना जो टेक्नोलॉजी वहाँ कहाँ और कैसे यूज़ करना है नेचुरल रिसोर्सेज पे। टू ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, द USA एंड कैनेडा आर लोकेटेड इन दिस रीजन, और दुनिया का सबसे जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो है USA और कैनेडा, जो कि इस क्षेत्र में आता है। साइंटिफिक मेथड्स ऑफ कल्टिवेशन, यूज ऑफ ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स कंबाइन हैज मेड नॉर्थ अमेरिका फूड प्रोड्यूसर, यहाँ के जो लोग हैं वो खेती के लिए ट्रैक्टर का यूज़ करते हैं, कटाई का यूज़ करते हैं। जैसे जब भी हम लोग खेत में कोई अनाज को लगाते हैं तो वो जब पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कट करते हैं, उसी को हम लोग हार्वेस्ट बोलते हैं। और इसके साथ ही वो लोग क्या करते हैं, ये जब चीज़ वो जो भी अनाज है वो पूरा कंप्लीट हो जाता है तो उसको
पैक करके एक जगह से दूसरी जगह पे भेजते हैं। डेयरी फार्मिंग इज अनदर मेजर इंडस्ट्री। द डेयरी बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम द ग्रेट लेक्स टू द अटलांटिक कोस्ट इन द ईस्ट। डेयरिंग फार्मिंग एंड एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर बोथ प्रोमोट सेटिंग अप ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। लार्ज मिनरल डिपॉजिट पर्टिकुलरली कोल एंड आयरन, ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स रेलवेज एंड कैनल्स हैव मेड दिस रीजन टू मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड। और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ के जो मिनरल्स होते हैं जैसे कि कोल, आयरन, ये सब बहुत ही अच्छे होते हैं जिसको हम लोग रोड्स वगैरह में देखते हैं। कैनल जो होते हैं इस तरफ के जो बांध होते हैं उस क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा ही इंडस्ट्रियलाइज होते हैं जो कि यहाँ बहुत ही यूज़ में आता है। सो आप लोग का ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इससे रिलेटेड जो भी मैं वर्क दूंगी उसको आप लोग अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा। ओके।